सोलन में अब युवा नौकरी का सपना छोड़ स्वावलंबी होने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण है रोबेन का वह युवक जिसने महज कुछ पैसों से मशरूम उगाने का फैसला किया और अब ये युवक दिन प्रतिदिन अच्छा व्यवसाय कर रहा है। वो हर रोज करीब 1000 के मशरूम बाजार में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा है। अरुण अब अपने दोस्तों को भी इस व्यवसाय के प्रति प्रेरित कर रहा है। अरुण ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सीख पर अमल करते हुए ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के पीछे भागना छोड़ अपना व्यवसाय करने का मन बनाया और महज 10,000 रुपए से मशरूम फार्मिंग की शुरुआत की, जिसमें वह खुद और उसका छोटा भाई काम करता था। उनका मानना है कि युवाओं को नौकरी करने का इरादा छोड़ अपने व्यवसाय करना चाहिए और बेरोजगारों के लिए रोजगार भी सृजित करने चाहिए। सर, जैसे कि ये हमारा सोरन इलाका आता है, एरिया आता है, इसमें हमारे यहाँ पर मशरूम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट है और मशरूम के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है इसका, तो यहाँ पर हमारे मशरूम की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। और मतलब कि मैंने भी इस चीज़ को लगाया, इस चीज़ में मतलब कि अपना योगदान दिया मशरूम में, अपना अच्छा बिजनेस, अच्छा परिणाम मिला मुझे भी। और मैं तो यही चाहूँगा कि युवाओं को नौकरी के पीछे कम दौड़ना चाहिए, वैसे भी नौकरियाँ तो बहुत कम हैं, उस वजह से युवाओं के लिए नौकरियों का तो मतलब नामुमकिन है हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि युवाओं को अपना काम करना चाहिए, कोई भी मतलब कि किसी जॉब के लिए नहीं दौड़ना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए। उसी प्रकार मैंने भी थोड़ा सा छोटा सा एक बिजनेस शुरू किया है मशरूम का, जिसका परिणाम मुझे अच्छा मिला। इसमें साथ में मेरा भाई भी बहुत साथ दे रहा है मेरा, इसका भी बहुत योगदान रहा है इसमें। मैं और युवाओं को भी यही सर कहना चाहूँगा कि नौकरियों से बढ़िया है कि अपना बिजनेस करें और कोई ऐसे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए नौकरी के लिए, अपना बिजनेस ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मुझे भी अच्छा परिणाम मिला है तभी मैं बोल रहा हूँ।